लिए वेलकम क्लैंडल की बुक ब्लिंक को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल जिंदगी हटके पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं। सही डिसीजंस लेने की स्किल हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल रही है, जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है और हमें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, हम अचानक से ही कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसे सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि हम यह सोचते हैं कि हम कैलकुलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं और बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं, पर ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसके बजाय हो क्या रहा है कि हम पलक झपकते ही डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपको बाहर जाकर कुछ फास्ट फूड खाने का सजेशन देते हैं और आप तुरंत ही उसे मान लेते हो, जबकि फैक्ट ये है कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो। और उनमें से अगर कोई नोटिस करता है और पूछता है कि क्या आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, आप कहते हो कि हाँ, पर ये तो मैं चीट मील खा रहा हूँ, और जबकि आप इस मील के स्टार्टिंग में ही वो मील ले चुके हो, या फिर आप कहते हो कि एडिशनल मील खाने से क्या फर्क पड़ता है। सो इस फैक्ट को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद को इसी के लिए जागरूक करने की जरूरत है। जब हम बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा टाइम और सोच विचार करने की जरूरत होती है। नंबर टू, हमारी इंट्यूशन अक्सर सही होती है। क्या कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्यों? इसे ही इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या अनुभव कहते हैं। लेकिन हम अक्सर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेने से कतराते हैं क्योंकि हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमारी है कई सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से, उसमें इमोशंस का भी मिक्सचर होता है और वो हमें उस डायरेक्शन में ले जाती है जो सही है या हमें जाना चाहिए। जब आप वो ऐड देखते हैं जो आपको बताता है कि क्या आप कुछ भी नहीं करके 10,000 रुपए एक महीने में कमा सकते हैं, तो क्या आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं क्लिक, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि ये फेक है। इसलिए कभी कभी अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर लेना आपको स्मार्ट बनाता है और आप बिना कोई ऑप्शन देखे अपने इंट्यूशन के भरोसे ही डिसीजन ले सकते हैं। नंबर थ्री, जनरली हम दो तरीकों से डिसीजन लेते हैं, पहला फास्ट वे और दूसरा लॉन्ग वे। पहले जानते हैं कि लॉन्ग वे टू टेक डिसीजंस, ये तरीका तब काम आता है जब हम कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें करियर पाथ चूज करना है, या फिर हमें ये चूज करना है कि हायर स्टडीज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर सारे ऑप्शन के प्रोस एंड कॉन्स और फायदे नुकसान लिखते हैं और फिर उनको इवेल्युएट करना होता है। हम और लोगों से भी एडवाइस ले सकते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जस्ट टू नो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, उनके अनुभव से सीखने के लिए। ये तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड और थका देने वाला होता है। सेकेंड ऑप्शन है जल्दी से कोई डिसीजन ले लेना अपने मन से ही, एंड सिंपली गो विद योर गट। ये तरीका काफी फास्ट और इफेक्टिव है रोज की चॉइसेस के लिए, जैसे कि क्या खाना है, क्या पहनना है, एक्सेट्रा। दोनों ही तरीकों से हम डिसीजन ले सकते हैं। लंबी एनालिसिस करना अच्छा है बड़े डिसीजन लेने के लिए, और अगर हम वही एनालिसिस करें कि कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो ये यूजलेस है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी तरफ अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग से डिसीजन लेना बेटर है रोज के छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि ये आसानी से और कम टाइम में लिए जा सकते हैं। वही दूसरी ओर क्विक डिसीजन लेना उस केस में ठीक नहीं होगा जबकि आपको और हमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हो, जैसे कि कहाँ रहना है, घर की लोकेशन, एक्सेट्रा। नंबर फोर, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव हमारे डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। हम अपने डिसीजंस अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में लेते हैं और इनमें से कई तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी लेनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ आजकल हमारे लाइफ में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी सही डिसीजन लेने की क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि हम सही और गलत इन्फॉर्मेशन में फर्क नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में डिसीजन ना लिए जाए। मैं खुद पर्सनली अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन मॉर्निंग में लेती हूँ, जब मेरा माइंड फ्रेश और एनर्जी लेवल हाई होता है। नंबर फाइव, इररिलेवेंट और बेकार की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना सीखें। ये आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने का आसान तरीका है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। कैंडिडेट्स की हायरिंग प्रोसेस के टाइम पर कुछ कैंडिडेट्स का रिज्यूम देखकर उनसे अटैच हो जाता था, पर जब कई बार मैंने पाया कि मेरे द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तब मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा और सारे कैंडिडेट्स को कुछ टास्क दिए और उनके परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर अपना डिसीजन लेना स्टार्ट किया। इस डिजिटल एरा में जहाँ पर एंडलेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पहचानें कि कौन सा हमारे लिए यूजफुल है और क्या है, क्या बेकार इन्फॉर्मेशन है। नंबर सिक्स, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आज जब एंडलेस इंटरनेट एक्सेस, मीडिया चैनल्स हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी कमजोर होती जा रही है। हम एक डिसीजन ले लेते हैं
इस केस में, क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एंडलेस रिसोर्सेज, टीवी, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, स्मार्टफोन्स, गलत कॉन्ट्रडिक्टरी ओल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचना बहुत ही जरूरी है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। एक बार आप जान लोगे कि कैसे फिल्टर करना है यूजफुल और यूजलेस इन्फॉर्मेशन को, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आई होप कि ये बुक सब्जेक्ट को आपने एंजॉय किया होगा और ये स्ट्रेटजीज आपको बेटर डिसीजन